जनकपुर से चलल बस आ कार सरलाही में लड़ल एक युवक के मृत्यु। महोत्री के गौशाला में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक के मृत्यु एक गंभीर घायल। मुकेश चौरसिया हत्याकांड में दू जने पूर्व पक्ष के खातिर जेल चलान। संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश दू सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में रिट दायर। पिछला 24 घंटा में 1343 कोरोना संक्रमित बढ़ल, 13 जने के मृत्यु। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जमाली के निधन। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज, आग सरलाही के गुड़ैथा बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसा ही radiobandhan.com साथ ही हमरो पात्रों पर दुनिया भर में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। सरलाही में बीतल रात भइल सवारी दुर्घटना में एक जने के मृत्यु भइल बाटे। जिला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग के बांके जंगल में भइल सवारी दुर्घटना में महोत्री के मनरा सिसवा नगर पालिका एक के नागेंद्र कुमार सिंह के मृत्यु भइल बाटे। जनकपुर से मलंगवा के खातिर निकलल N4-2796 नंबर के बस आ विपरीत एरिया से आ रहल प्रदेश 2-02-001-03-19 नंबर के कार आपस में लड़ला पर दुर्घटना भइल। प्रहरी जानकारी दिलबा, दुर्घटना में गंभीर घायल भइल सिंह के इलाज के खातिर लालबंदी तरफ ले जा रहल बेरिया रास्ता में मृत्यु भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय केसरगंज बैलवास जनैल बटे। मृतक के लाश बुध के रात ही पोस्टमार्टम के खातिर जिला अस्पताल मलंगवा भेजल जा चुकल रहे। बस आ ओकर ड्राइवर बैलवास प्रहरी के नियंत्रण में रहल बटे। बारह में सवारी दुर्घटना में पर के एक युवती के मृत्यु भइल बाटे। पसरौथा नगर पालिका 8 रहे वाला प्रेम नारायण चौधरी के 17 वर्षीय बेटी गांधी कुमारी चौधरी के मृत्यु भइल बाटे। कलैया से बरियारपुर के तरफ जाए के क्रम में परसुका दोपहरिया 12:10 पर कलैया उप महानगर पालिका 4 मैदा मिल नजीक के दुर्घटना भइल रहे। प्रदेश नंबर 2-03-006-93-85 नंबर के मोटरसाइकिल के पछाड़ी बैठल उनका के मोटरसाइकिल से गिरल रहने मोटरसाइकिल से गिरल उनका के पछाड़ी से आ रहल N4-2923 नंबर के ट्रक ठकर दिले रहे। घायल अवस्था में इलाज के खातिर नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में ले गेले पर भी उनका इलाज के क्रम में 12:45 पर उनका मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जानकारी दिले बा। पारसा में करंट लाके एक जने के मृत्यु भइल बाटे। बौद्धरमाई नगर पालिका 6 गमरिया रहे वाला 25 वर्षीय दिनेश शाह के करंट लाके बीतल रात मृत्यु भइल बाटे। मोटर से पानी तान के खेत में पानी लगावे के क्रम में अचानक करंट लगला पर वहां के गंभीर घायल भइल रहनी। इलाज के खातिर उनका के तराई अस्पताल बीरगंज की तरफ ले जाए के क्रम में रास्ता में ही मृत्यु भइल। प्रहरी जानकारी दिले बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान शुरू कर चुकल बा। भंसार चुरा के भारत की तरफ ले जा रहा 13 गाय रौथट प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी चौकी औरैया से खटल प्रहरी गोस्ती टोली ईशनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 9 डुमरिया होत लौतना तरफ जाए वाला रास्ता से गाय नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी से 1,25,000 बराबर के 13 गाय नियंत्रण में ले बाटे। प्रहरी के अनुसार नेपाल से भारत के तरफ ले जा रहा अवस्था में गाय नियंत्रण में लिहल गए बाटे। सीमा नाका सब में होखे वाला भंसार चोरी निकासी या पैठारी करे के नियंत्रण करेला गश्ती में रहल प्रहरी टोली देखते तस्कर सब फरार भइल। प्रहरी के दावी रहल बाटे नियंत्रण में लिहल गेल गाय गौर भंसार कार्यालय में बुझावल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देले बा। जिला समन्वय समिति के सभा हॉल में आज 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में जिला सरलाही जिला सभापति मेथुर चौधरी उपस्थित भइल रहनी। चौधरी 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस के बारे में अपन मंतव्य राखत शुभकामना व्यक्त कल रहनी। ऐसे ही कार्यक्रम में सहभागी भइल प्रमुख अतिथि के रूप में मलंगवा नगर पालिका के मेयर निर्सल शाह अपांग सबके हमेशा सहयोग कल आ हमेशा सहयोग क्रम कहकर 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस के शुभकामना आदान प्रदान कल रहनी। 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस के कार्यक्रम में सहभागी होके वाला नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ ठाकुर, स्वर्णिम FM के संचालक मनोज यादव, उपाध्यक्ष विष्णु चालीसे, पत्रकार सहकर्मी लगाते विभिन्न गांव से आयल अपांग सबके उपस्थिति रहल रहे।
महोत्री में बीतल रात भइल मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक के मृत्यु भइल बाटे। मा स्थान गौशाला सड़क खंड अंतर्गत सुरती विकास चौक में रहल स्मारक में बीतल रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल लड़ला से गौशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के अंदाजी 19 वर्षीय अमर पांचे के मृत्यु भइल। प्रहरी जानकारी दिले बाटे। प्रहरी के अनुसार वे स्थान के अंदाजी 17 वर्षीय युवराज बलमपाकी गंभीर घायल भइल बानी। घायल बलमपाकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज करके थप उपचार के खातिर जनकपुर भेजल गई। प्रहरी जानकारी दिले बा। नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसिया के हत्या अभियोग में 2 जने पूर्वपक्ष के खातिर जेल चलान भइल बाटे। पर्षद जिला अदालत से अखिलेश कहल जाएवाला अशेश्वर प्रसाद चौरसिया आ उत्तम कहल जाएवाला निरंजन तिवारी के पूर्वपक्ष के खातिर थुना में भेजे के आदेश दिले बाटे। ऐसे ही पकड़ पड़ल अन्य 2 जने 2 लाख धरोटी आ 1 जने नाबालक रहल कहत साधारण तारीख में रिहा भइल बलो। थुनछक बहस बाद जिला अदालत के न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्मा के इजलास से चौरसिया आ तिवारी के पूर्वपक्ष के खातिर थुना में भेजे के आदेश दिया गया बा। हनिमिया आ देवा सहनी संगे 2-2 लाख रुपया धरोटी में काल ही रिहा भइल अदालत जानकारी दिले बाटे। बीतल कार्तिक 6 गते नेकपा के परसा बिंदवासिनी गांव कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह में दुपक्षीय झड़प भले पर गंभीर घायल भइल जिला समिति सदस्य तथा गांव कमेटी सचिव मुकेश चौरसिया के बिहान भेला इलाज के क्रम में मृत्यु भइल है। प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कहत संघीय सरकार विरुद्ध रिट दायर कैले बाटे। आज प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल संघीय सरकार विरुद्ध उत्प्रेषण आदेश जारी कर कह के रिट निवेदन लेके सर्वोच्च अदालत पुगल रहनी। संघीय सरकार के भूमिगत जलस्रोत विकास समिति से 31 गते के परिपत्र समृद्ध तराई मध्य से सिंचाई विशेष कार्यक्रम से 24 गते आह्वान कल गल बलपत्र प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कल प्रदेश सरकार के दावी रहल बाटे। उ लोग रिट में अगहन 26 गते पेशी तोकल गल बाटे। प्रदेश दू सरकार से इससे पहले भी संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च में रिट दायर कल जा चुकल बा। पिछला 24 घंटा में 1,347 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से दिए जानकारी के अनुसार 9,289 जने के PCR परीक्षण कैले पर 1,347 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इस संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 237,589 पुगल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 2,111 कोरोना संक्रमित ठीक भइल बानी। नेपाल में अभी तक 2,20,272 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुकल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख रहल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 13 जने के मृत्यु भइल बाटे। इस संगे कोरोना के कारण जान गांव वाले के संख्या 1,551 पुगल बाटे। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी बीच भेंटवार्ता भइल बाटे। आज 10:30 बजे प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति भंडारी के भेटे खातिर शीतल निवास पुगल रहनी। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बीच के भेंट नियमित प्रक्रिया के भइल। प्रधानमंत्री ओली के संचार विज्ञ राम शरण बसगाई जानकारी दिलवानी। नेकपा अध्यक्ष समेत रहल ओली पार्टी भीतर विवाद उत्कर्ष में पुग रहल बेरिया राष्ट्रपति भंडारी के भेटल अर्थपूर्ण रूप में लिहल गई बाटे। प्रधानमंत्री ओली आज दोपहरिया मंत्रिपरिषद के बैठक में समेत सहभागी होलने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली के 76 वर्ष की उम्र में काल रावलपिंडी स्थित एक अस्पताल में निधन भइल बाटे। उनका के कुछ दिन से अस्पताल के एकदम सघन कक्ष में रह के इलाज करावल जात रहे। इलाज के क्रम में हृदयघात भइले बाद उनका के सैनिक अस्पताल में भर्ना कैल गई। पाकिस्तानी अखबार डन जनाइले बाटे। जमाली सन 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहल रहनी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 MHz द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरौनगढ़ आ गोड़ैता लगायत के आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 21 दोपहर 27 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 17 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गए बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:38 में बेर उगल रहे तो साझे 5:11 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। जनकपुर से चलल बस आ कार सरलाही में लड़ल एक युवक की मृत्यु। महोत्री के गौशाला में मोटरसाइकिल दुर्घटना एक की मृत्यु एक युवक गंभीर घायल। मुकेश चौरसिया हत्याकांड में 2 जने पूर्वपक्ष के खातिर जेल चलान। संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश दू सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में रिट दायर। पिछला 24 घंटा में 13 से 43 कोरोना संक्रमित बढ़ल। 13 जने की मृत्यु। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जमाली के निधन।
बारा जिला में रहल सिमरौन, बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज आ सरलाह के गोड़ते बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com और सही रेडियो बंधन .com साथ ही हमारे पात्रों पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र एस के भोजपुरिया के साथ में हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।